हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अर्चना कुमारी फ्रॉम स्टार प्लस पब्लिक स्कूल। आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड 10th चैप्टर ऑफ SST इन क्लास 6। द फर्स्ट चैप्टर इन हिस्ट्री इज इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री। यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट इज हिस्ट्री। सबसे पहले आप ये जानिए कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मीन्स इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? हिस्ट्री इट इज द क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। यानी कि यह जो है एक तिथि क्रमानुसार जो है वो बीता हुआ कल का एक तिथि क्रमानुसार लेखा जोखा होता है। हिस्ट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स फाइंडिंग आउट। ये इतिहास जो है एक ग्रीक यानी कि एक यूनानी वर्ड है, यूनानी शब्द है जो हिस्टोरिया से बना हुआ है, जिसका मतलब है कि फाइंडिंग आउट। फाइंडिंग आउट मीन्स होता है कि खोज करना। हिस्ट्री हैड बीन डिवाइडेड इंटू टू पीरियड्स। इस इतिहास को दो युगों में बांटा गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, ऐतिहासिककारों के द्वारा इतिहास को दो युगों में बांटा गया है। इसको देखिए, दो युग है इतिहास को, दो युग, प्री हिस्ट्री एंड सेकेंड इज हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक का और इतिहास यानी इतिहास। फर्स्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज प्री हिस्ट्री। इन दिस पीरियड ह्यूमन बींग्स दे नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। प्री हिस्ट्री इट मीन्स प्राक ऐतिहासिक युग। इस युग में मानव को न लिखना आता था न पढ़ना आता था, कुछ भी नहीं आता था। वो यहाँ से वहाँ घूमने वाले मतलब एक जीव थे। सो रिटन रिकॉर्ड्स आर नॉट फाउंड इन दिस पीरियड। इसीलिए इनके युग में कोई भी लिखित व्याख्या नहीं प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री इतिहास। इन दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। इस युग में जो है वो इतिहास में सारा लिखा जोखा कोई रिकॉर्ड्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मिलने लगा, पर्याप्त हो गया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन योर चैप्टर इज सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। इट मीन्स दैट इतिहास का महत्व। देयर इज टू मच सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, बट आई हैव रिटन ओनली अ फ्यू इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। सो लिसन अटेंटिवली। इट टेल्स अस अबाउट अवर कल्चर, इट्स एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट एंड अवर सोसाइटी। यह जो हमें संस्कृति उन्नति विकास के बारे में, जो किस तरह समाज में उन्नति विकास और संस्कृति के पनपने के बारे में बताता है। सेकेंड है, इट एक्वेंट्स अस विद द किंग्स एंड ग्रेट पीपल ऑफ द पास्ट। ये हमारे भूतकाल में जितने भी राजा महाराजा या महान व्यक्ति के बारे में परिचित कराता है। थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो टीचस अस द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड हाउ सेवरल कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन इंटरैक्टेड विद ईच अदर। यह हमें यह भी सिखाता है कि किस तरह पास्ट में जब बहुत सारे संस्कृति सभ्यता एक दूसरे से परिचित हुई है तो किस तरह हमें मतलब सहने के भाव को दर्शाता है। यह हमें स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस यानी कि सहने की भाव है। जब हमें यह समझदारी आई संस्कृति और सभ्यता के बारे में, किस तरह लोग जो है उस समय एक मतलब एक दूसरे को टॉलरेट किया। With the help of history, we can understand the way civilization flourished and inventions and discoveries were made. इसके मदद से यह भी हमें पता चलता है कि किस सभ्यता में कौन मतलब inventions और discoveries हुए। इन सब के बारे में जानकारी हमें इतिहास से ही पता चलता है। इनके अलावा जो है history is a tool for making a better world in times to come, has the study of history is very important. History जो है history से हमें क्या पता चला है कि किस समय प्राय धीरे धीरे जो है किस तरह जो है सो नए नए टूल नए नए आविष्कारों की स्थापना हुआ। इसलिए हमारे जीवन में इतिहास की जो इतिहास को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। नेक्स्ट टॉपिक अबाउट अवर ग्रेट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस। यू नो अबाउट हेरोडोटस, ही वॉज ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। ही वॉज एन एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। वो एक बहुत बड़े यूनान के हिस्टोरियन इतिहासकार थे जिन्हें इतिहास का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के क्या स्रोत हैं?
इतिहास के स्रोत स्रोत फर्स्ट स्रोत थे, पहला स्रोत लिटरेरी मटेरियल यानी कि शाब्दिक सामग्री, एंड सेकेंड स्रोत वॉज आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक स्रोत यानी खुदाई के द्वारा जो प्राप्त हुआ। द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पहला स्रोत था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का, फर्स्ट स्रोत जो है वो आर्कियोलॉजी पुरातात्विक स्रोत। द ब्रांच ऑफ हिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। इतिहास का वह भाग जो हमें पास्ट जो मटेरियल्स के द्वारा जो शेष मटेरियल्स के द्वारा खुदाई के द्वारा जो शेष मटेरियल प्राप्त होते हैं उनके पढ़ाई को क्या कहा जाता है, पुरातत्व कहा जाता है। इनमें जो है फॉसिल्स सबसे पहले नंबर पर आते हैं, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म। तो ये खुदाई में जो जीवाश्म प्राप्त होते हैं, जीवाश्म प्राप्त होते हैं जैसे कि फॉसिल्स आर इम्प्रिंट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन प्रिजर्व इन रॉक्स। जीवाश्म जो है वो या प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन के जितने भी रॉक्स में चट्टानों में जो है वो किस तरह अंदर में जो दफन है वो दर्शाता है। फॉसिल्स हैव बीन डिटरमाइनिंग द वेरियस सिविलाइजेशन विच आर नो मोर इन एक्सिस्टेंस टूडे। फॉसिल्स जीवाश्म हमें यह भी बताता है कि किस तरह पिछली सभ्यताओं में जो चीज आज नहीं है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके बारे में आज भी इसके द्वारा इसके बारे में बचे हुए अवशेष की सहायता से यह हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर फॉसिल्स ऑफ डायनासोर हैव बीन डिटरमाइनिंग द इरा व्हेन दे रोम द अर्थ। दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्कवरिंग देयर फूड हैबिट्स हैबिटेट्स एंड इवोल्यूशन। आपको पता होगा कि डायनासोर्स जो है वो क्या है, एक लुप्त जानवर है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स है। तो फॉसिल की सहायता से, जीवाश्म की सहायता से हमें यह पता लगा कि उस जमाने में जो है वो डायनासोर जो है वो किस तरह पृथ्वी पर रोम करते थे, इधर उधर घूमते थे। और उनके मतलब फॉसिल्स के द्वारा ये पता चला कि उनके खाने की आदतें कैसे थी, घूमने की आदत कैसे थी और विकसित करने की आदतें किस तरह थी। इस तरह फॉसिल्स से हमें इस तरह फॉसिल में इस सब के बारे में पता चला। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में सबसे पहले हम इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही काफी है प्यारे बच्चों। कल जो है सो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, आई रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच यू टुमारो। सो वी आई स्टे होम, गुड, एज हैव अ नाइस डे।